खबर, बीजेपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर नई शराब नीति मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। इसी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे ग्राउंड पे हम आपको लिए चलते हैं। प्रियंका इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, वहां की तस्वीरें, वहां की बड़ी बातें अपडेट कीजिए इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर के घेराव के लिए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक और तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरीश जी, किस वजह से ये प्रोटेस्ट, अब तो सीबीआई जांच की भी इजाजत दे दी है। देखिए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी जब टेंडर दिया गया और हम एक साल से चिल्लाते हुए आ रहे हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं थी, इन्होंने उनको टेंडर दिया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं थी, उनको टेंडर दिया। कार्टल अलाउड नहीं था, उनको टेंडर दिया। हमारी कंप्लेन के ऊपर 25/10/2021 ये शोकॉज नोटिस है एक्साइज डिपार्टमेंट का। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इधर उधर की बात मत करो अरविंद केजरीवाल साहब, ये बताओ ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसको शोकॉज नोटिस इशू किया था, हाँ या ना? अगर किया था तो क्या कार्रवाई करी? उसके ऊपर आपने 14 तारीख को, इसी 14 तारीख को आप 144 करोड़ रुपए इन्हीं कंपनियों का माफ कर देते हो, 30 करोड़ रुपए जो ईएमडी इन कंपनी जमा कराया था उसको वेव ऑफ कर देते हो, 50 रुपए इंपोर्टेड लिकर के ऊपर पर केस आप माफ कर देते हो। आपके किसका पैसा ये? बिना आपस के नेक्सस के, बिना करप्शन के ये नहीं हो सकता। ठीक है, आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर बीजेपी लगा रही है। और ये देखिए जो काफिला है, जो ये तमाम भीड़ है, अभी आगे की तरफ बढ़ने लगी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष थोड़ी देर में इसको करने वाले हैं और यहाँ आप देखें कि तमाम कार्यकर्ता जो है वो आगे की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर का घेराव है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोल चुके थे 2-3 महीने पहले ही कि उन्हें शक है कि अगस्त के महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। और कल जिस तरीके से सीबीआई प्रोब की इजाजत दे दी एलजी ने, उसके बाद ये मामला बढ़ गया है। तस्वीरें आप देखें तो यहाँ जो तमाम विधायक है वो आपको यहाँ जो टैंपो है उसमें नजर आएंगे। तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं को सबसे अग्रणी पंक्ति में यहाँ पर रखा गया है जो आगे इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। और यहाँ से चंद कदम दूर ही है मनीष सिसोदिया का घर, जहाँ की तरफ ये काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। क्योंकि पिछली बार भी जब मनीष सिसोदिया के घर का घेराव हुआ था, ये आरोप लगे थे तक उनको जाने दिया। तो ऐसे में आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, बैरिकेड लगाए गए।